मॉर्निंग क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज अ हॉट टॉपिक नाउ अ डेज, दैट इज वायरस. वॉट इज वायरस? सो द नेम गिवन, अ स्मॉल डेफिनेशन विच इज गिवन टू द वायरस, इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. दोनों के बीच का क्या है? लिंक है ये. इट मीन्स बीच में अटका हुआ है, ना तो पूरी तरह लिविंग है ना पूरी तरह नॉन लिविंग है, कहीं का नहीं है ये. एक तरीके से सोचो, जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन इस परेशान करने वाले ऑर्गेनिज्म को आज हम पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें, इट हैज सम कैरेक्टर ऑफ लिविंग बट इट हैज सम कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग. व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द आउटर एनवायरनमेंट, जब भी आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट लाइक अ क्रिस्टल एंड मैनी साइंटिस्ट प्रिजर्व देम एज क्रिस्टल इन द बॉटल्स. सो लिविंग थिंग कैन नॉट बी प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द क्लोज बॉटल. सो इट मीन्स इट एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. एंड व्हेन इट गेट्स एनी लिविंग बॉडी, इट ट्रांसफर इन द लिविंग बॉडी एंड स्टार्ट टू टेक द सेलुलर मशीनरी ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ लिविंग. इनके पास अपना खुद का कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्रॉपर. व्हेन दे एंटर इन टू द लिविंग, दे टेक आवर सेल मशीनरी, दे टेक ओवर आवर सेल मशीनरी एंड स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सपोज इफ दे आर प्रेजेंट इन द आउटर एनवायरमेंट, दे एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग. किसकी तरह एक्ट करेंगे? नॉन लिविंग. एंड व्हेन दे गेट एनी लिविंग सेल, जब इनको कोई लिविंग सेल मिल जाती है, स्टार्ट टू एंटर इन दिस सेल, इस सेल में एंटर करेंगे एंड स्टार्ट टू मल्टीप्लाई बाई यूजिंग इट्स सेल्यूलर मशीनरी, बिकॉज दे हैव नॉट देयर ओन मशीनरी. इनके पास कोई अपनी मशीनरी नहीं है. दैट्स वाई दीज आर द कॉल्ड द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. दे हैव अ कवरिंग, दे हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है. एंड इनसाइड इट्स इट हैज अ जेनेटिक मटीरियल, और इसके अंदर इसका क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है. इट मे बी डीएनए और इट मे बी आरएनए, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. या तो डीएनए होगा या होगा केवल आरएनए, दोनों एक ही टाइम पर प्रेजेंट नहीं होते. बेसिकली दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड द कैप्सिड एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूनिट्स. ये यूनिट्स में, छोटी छोटी यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज कैप्सोमियर्स. इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स. सो द नेम इज गिवन टू द वायरस, एक निक नेम दिया गया है वायरस को. दीज आर नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स, या तो हम क्या बोलेंगे इनको? न्यूक्लियोप्रोटीन्स. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटीरियल, एंड प्रोटीन्स दैट मेक्स द कवरिंग. और यू कैन ऑल्सो यूज द अनदर वर्ड दैट इज नोन एज न्यूक्लियो कैप्सिड. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और अन्य कैप्सिड इज द प्रोटीन कवरिंग. सो बोथ नेम कैन बी यूज फॉर द वायरसेज, न्यूक्लियो प्रोटीन्स और न्यूक्लियो कैप्सिड. ओनली टू थिंग्स आर देयर. सो वेन दे एंटर इन टू आर बॉडी, जब हम अपनी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, बेसिकली देयर जेनेटिक मटीरियल एंटर इन आर बॉडी एंड स्टार्ट टू यूज आवर मशीनरी एंड स्टार्ट टू डिवाइड देयर डीएनए, बाय विच दे इंक्रीजेज देयर नंबर इन आर बॉडी. अब इनके बारे में अलग 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 साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें करी. सबसे पहले बात करते हैं इनके डिस्कवरर के बारे में. इनके जो डिस्कवरर हैं वो हैं इवानोवस्की. बेसिकली जब वो उन्होंने इस पर स्टडी करी, तो उनको एक नाम दिया, इट इज अ वेनस फ्लूड. इट मीन्स वेनम मीन्स जहर, ठीक है, फ्लूड लिक्विड. इट मीन्स एक जहर वाला लिक्विड है, एक डेंजरस लिक्विड है हमारे लिए. जो हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने बताया कि जो टोबैको के ऊपर मोजेक डिसीज होती है, देर इज अ डिसीज ऑन टोबैको दैट इज नोन एज टोबैको मोजेक वायरस. अगर कोई प्लांट टोबैको मोजेक वायरस से इन्फेक्टेड है, और अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर किसी हेल्दी प्लांट पर डालें, किसी हेल्दी टोबैको के प्लांट पर डालें, देन इट आल्सो बिकम इन्फेक्टेड. इट मीन्स एक्सट्रैक्ट मीन इन अ लिक्विड फॉर्म, फ्लूड फॉर्म, एंड इट फ्लूड एक्ट लाइक अ वेनम. जहर की तरह काम कर रहा है, जिसने हेल्दी प्लांट को भी क्या कर दिया? इन्फेक्टेड कर दिया. एंड इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बिकॉज दे कैन पास आउट फ्रॉम द जो बैक्टीरिया वो फिल्टर होते हैं, उनसे भी आसानी से पास आउट हो जाते हैं. और भी साइंटिस्ट ने जिन्होंने उनके बारे में अलग अलग बातें बताई. एंड अनदर साइंटिस्ट इज बीजरनिक. अब इन्होंने क्या बोला भाई? इन्होंने ये बोला, एक लगेगा वर्ड आपको,
बहुत स्पेसिफिक सा वर्ड इन्होंने यूज किया, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। कभी कभी जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे खुद ये फील होता है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली दीज आर लैटिन वर्ड्स विच आर यूज टू डेजिग्नेट दीज बायोलॉजिकल नेम्स। कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम मीन्स इन्फेक्शियस, विवम मीन्स लिविंग, फ्लूइड मीन्स लिक्विड। इट मीन्स इट इज अ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड है जो लिविंग है और वो हमारे में क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, इसीलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। एंड अदर साइंटिस्ट इज देयर स्टेनले, जिन्होंने क्या किया इनको क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज करके बोतल में बंद कर दिया और ये शो किया कि दे एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द आउटर एनवायरमेंट। सो दिस इज अबाउट द वायरसेस। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वायरसेस, द टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में बात करें तो हम इनके जेनेटिक मटेरियल के बेस पर इनको थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आरएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस एंड रेट्रो वायरसेस। आरएनए मींस दोज वायरसेस विच हैव देयर जेनेटिक मटेरियल आरएनए, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, सम एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस हैं तो नेक्स्ट आपकी जो लाइव क्लास लूंगी उसमें बताऊंगी उसको, मैं लाइव क्लास भी लेने वाली हूँ उसकी नेक्स्ट टाइम। एंड इन डीएनए वायरसेस द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटीरियल वहां पर क्या होगा, डीएनए होगा और एट सेम थिंग इज देयर, इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और इट मे बी डबल स्ट्रैंडेड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स, जो किसमें इन्फेक्शन करता है, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज देयर, और जो लास्ट कैटेगरी है रेट्रो, स्पेसिफिक कैटेगरी इज देयर, स्पेसिफिक कैटेगरी है दोज वायरसेज विच कैन चेंज देयर जेनेटिक मटीरियल, जो अपने जेनेटिक मटीरियल को चेंज कर सकते हैं। अब कौन सा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, एच आई वी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस विच कॉजेज एड्स इन आर बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, एड्स करता है। तो दिस वायरस हैज अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ आरएनए, इसके पास जेनेटिक मटीरियल की फॉर्म में क्या होता है, आरएनए होता है। नाउ यू कैन यू नो अबाउट दैट दैट आवर जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए, इट हैज डीएनए, सॉरी आवर जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए, इट हैज आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल। सो व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी हाउ कैन इट जॉइन विद आवर डीएनए, बिकॉज इट इज आरएनए। सो इट हैज अ स्पेसिफिक एंजाइम इन इट दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो व्हेन इट एंटर्स इनटू आवर सेल, जब ये हमारी सेल में एंटर करता है, देन बाय यूजिंग दिस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट चेंजेस इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, आरएनए से डीएनए में चेंज करता है। दिस डीएनए वायरस मिक्सेस विद आवर डीएनए एंड स्टार्ट टू मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट टू इन्फेक्ट आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेट्रो वायरसेस। एंड दिस प्रोसेस इन विच द आरएनए चेंजेस इनटू डीएनए, दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली इन इफ यू स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड देर इज अ प्रोसेस, यू विल स्टडी इन द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, और इन प्रोटीन सिंथेसिस देर इज अ प्रोसेस इन विच द डीएनए चेंजेस इन टू आर एन ए विच इज अ नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और इफ वी आर स्टडिंग द प्रोसेस दैट आर एन ए चेंजेस इन टू डीएनए, इट मीन्स इट इज अपोजिट टू द ट्रांसक्रिप्शन, सो दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ दिस इज द वायरस and the types of viruses. Next time I am going to discuss virus in deep along with some small concepts of this chapter. Only two or three concepts are remaining. So till then, goodbye, have a beautiful day.